दोस्तों शुक्रिया, आज सुबह शॉर्ट नोटिस में आपने तकलीफ़ की यहाँ आने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे बीच हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन और प्रोमिनेंट लायर जो सुप्रीम कोर्ट के लायर है जनाब सुनील सेठी साहब हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। दोस्तों, साथियों और महिला शक्ति यहाँ पे हैं, सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये जो बजट प्रेजेंट किया गया है जम्मू कश्मीर के बारे में, कल यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा उसके बारे में बात करने के लिए और अपनी संतुष्टि और हर्ष जाहिर करने के लिए, हम खुश हैं कि बजट जो है जम्मू कश्मीर के लिए पेश किया गया, जिसमें बजट में 1,18,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया जम्मू कश्मीर के लिए। अगर आप पिछले बजट से देखें तो ये 150 करोड़ रुपीज़ ज़्यादा है, ये सबस्टेंटिव इंक्रीज़ है। और इस बजट की अगर हाईलाइट देखना चाहेंगे तो दो चीज़ें मैं इसमें ख़ास देखता हूँ कि एक तो ये है कि इसमें ग्रोथ का रेट जो है वो 10% है। अगर पूरे देश में देखें तो सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ का रेट जो है 10% जो है इसमें प्रोजेक्टेड है जम्मू कश्मीर के लिए। दूसरा ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 35% बजट जो है वो उसका खर्चा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के ऊपर होगा। तो आने वाले वक्त पे, आने वाले साल में कितनी बड़ी डेवलपमेंट और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगी, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। इस बजट के बारे में बात करते हुए अगर हम देखें तो इसकी बजट की खास बातें अगर हम देखें तो एक जैसे इस बजट में रखा गया कि 25,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाला कोल्ड स्टोर एक सोपुर में होगा और इसी तरह 2,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाला एक कोल्ड स्टोर जो है वो जम्मू में नरवाल में हो। तो सोपुर में इतना बड़ा कोल्ड स्टोर बनाने के लिए जो फैसला किया गया, इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे जो सेब और बाकी फ्रूट्स जो हैं जिसका उत्पादन करने वाले जो किसान हैं जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में, उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और ट्रांजिट में स्टोरेज एक बड़ा जो है नरवाल में होने से जम्मू की मंडी में भी जो है कश्मीर के फ्रूट ग्रोअर को जो है वो अच्छा रेट भी मिलेगा और फसल भी जो है वो ख़राब नहीं होगी। इसी तरह अगर हम देखें इस बजट में, कहने के लिए काफ़ी कुछ है लेकिन अगर ख़ास बिंदुओं के ऊपर भी बात करें तो स्मार्ट सिटी के तहत जो है 500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू और श्रीनगर को दिया गया। तो आज जो स्मार्ट सिटी के काम जो जैसे आप देख रहे हैं कि श्रीनगर सिटी में चल रहे हैं, ये अभी सड़कें जो है खुली हो रही हैं और आगे आने वाले दिनों में बिजली और पानी का भी अच्छा जो है इंतज़ाम होगा। तो 500 करोड़ रुपया आने से स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो काम तेज़ी से होंगे। अगर हम श्रीनगर कश्मीर की और ख़ासकर श्रीनगर की दिक्कत को देखें तो पुराना शहर, पुराने बसे हुए शहर हिस्टोरिकल हैं, इसमें सड़कें जो हैं उनको खुला करने का प्रावधान उतना ज़्यादा नहीं, हॉरिजेंटल ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, वर्टिकल ग्रोथ का चांस है। वर्टिकल ग्रोथ में भी फ्लाईओवर्स जो हैं वो लिमिटेड एक्सटेंट तक ही बन सकते हैं। तो इसको देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ लगातार बढ़ रही हैं, सड़कें छोटी पड़ती जा रही हैं, तो जम्मू और कश्मीर में, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी मेट्रो के लिए इस बजट में जो है वो 140 करोड़ रुपया जो है रखा गया। आने वाले साल में मेट्रो के ऊपर काम जो है वो दोनों जगह पे शुरू हो जाएगा, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। श्रीनगर में मेट्रो बनने से यहाँ के लोगों की काफ़ी हद तक तकलीफें जो है ट्रांसपोर्ट की जो है वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और इसी के साथ जुड़ा हुआ अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में इस बजट में खासकर महिलाओं के लिए, औरतों के लिए खास ध्यान रखा गया, विमेन हाट का जो है वो प्रोविज़न रखा गया, ऐसे बाज़ार जिसमें औरतें जो हैं उन्हीं की सारी दुकानें होंगी वही चलाएंगी, औरतों को नज़र में रख के किसान ऑर्गेनाइजेशंस बनाना जिनको पैसा जो है वो गवर्नमेंट देगी और उसके तहत जो है औरतें जो हमारी महिलाएँ जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छी तरह से चला सकेंगी। कश्मीर जैसे टूरिज़्म में पिछले 40 साल का रिकॉर्ड इस बार टूटा है टूरिज़्म का, बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर में आना शुरू हुए और आज नया ट्रेंड है कि महिलाएं, विमेन जो हैं वो टूरिस्ट भी काफ़ी ट्रेवल करती हैं और कहीं अकेले ज़्यादा ट्रेवल करती हैं।
उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो बड़ी कंसिडरेशन है। अगर हम विमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है इंश्योर करते हैं तो टूरिस्ट में जो विमेन टूरिस्ट है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उसमें ये होगा कि मैं अकेले भी ट्रेवल कर सकती हूँ। उसके चलते हुए पिंक टैक्सीज और पिंक बसेस जिसको महिलाएं ही चलाएंगी, जिसको विमेन जो है ड्राइवर फीमेल ड्राइवर ही चलाएंगी, उसका भी इसमें प्रावधान रखा गया जिसके तहत महिलाएं जो है वो आसानी से जो है वो आ जा सकेंगी। रोजगार की अगर हम बात करें तो अगले साल में 40 रोजगार मेले पूरे जम्मू कश्मीर में रखे जाएंगे। तो 40 रोजगार मेले पूरे के पूरे जब स्टेट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में रखे जाएंगे तो उसके तहत जो है वो काफ़ी लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा। अगर हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा में 440 करोड़ रुपया जो है नया जो है वो इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, 440 लाख रुपया नए काम जो हैं वो क्रिएट किए जाएंगे मनरेगा में। इसी के तहत अगर हम और देखें तो सबसे बड़ी इस बजट में अगर कहीं पे प्रावधान रखा गया, कहीं सबसे ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है तो वो वाटर रिसोर्सेज में हुई है, 5000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा गया वाटर के लिए जल जीवन मिशन के तहत। और मिशन ये है कि सभी गांवों में हर घर में नल से पानी मिले, ये मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मोदी जी का सपना है, उसके लिए इस बजट में सबसे बड़ा जो है 5000 करोड़ रुपया जो है वो पानी के लिए रखा गया। पानी की दिक्कतें जो हैं वो शहरों में भी हैं लेकिन गांव में भी हैं, खासकर कश्मीर में आप देखें तो पहाड़ी इलाके हैं, पानी की सप्लाई जो है पहुँचाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट आने से उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो आएगी। बिजली के लिए भी एक अच्छी रकम जो है वो इस बजट में रखी गई बिजली के लिए, ताकि लोगों को बिजली जो है वो मिल सके। अगर हम PMGSY जिसके तहत जो है वो रूरल एरियाज़ में सड़कें भी बनती हैं और बाकी प्रावधान भी होते हैं, 1600 करोड़ रुपया उसके लिए रखा गया। नाबार्ड में 1000 करोड़ रुपया रखा गया। मिशन यूथ में 200 करोड़ रुपया रखा गया। अब ये सारे के सारे जो बजटरी एलोगेशंस हैं ये हमें लगता है कि नए जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो है काफ़ी मदद करेंगी। टूरिज़्म की बात करें तो 40 करोड़ रुपया जो है वो टूरिज़्म के लिए रखा गया, लेकिन उसके साथ 60 करोड़ रुपया नए टूरिस्ट सर्कल के लिए भी रखा गया। अब इस 60 करोड़ रुपया जो नए टूरिस्ट सर्कल के रखा गया इसमें सूफी सर्किट भी है, तो ये आने वाले दिनों में टूरिज़्म में भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में जो है वो आएगी। लैंड डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो 100 करोड़ रुपया लैंड डेवलपमेंट में रखा गया। जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह पे क्योंकि काफ़ी देर से हाउसिंग कॉलोनीज जो है वो नई बनी हैं, ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग कॉलोनी जो है उसको बनाना भी ज़रूरी था, तो इस बजट में उसका भी है। दोनों जगह पे जो है नई हाउसिंग कॉलोनीज की जो है वो डेवलपमेंट भी होगी। इसी तरह के बाकी जो है बजट्स भी इसमें प्रावधान रखा गया, जैसे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की जो है वो काफ़ी देर से डिमांड थी, जो खासकर जो माइग्रेंट जो कश्मीर में काम करते हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, तो 400 करोड़ रुपया उनके लिए ट्रांजिटरी जो है अकोमोडेशंस बनाने के लिए, उनके दिल में सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए कि आप लोग आइए यहाँ पे और यहाँ पे रहिए ताकि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो पैरामाउंट रहे और उसका ध्यान रखा जाए, तो इसका भी जो है वो सिस्टम रखा गया। इसी तरह से बाकी जगह भी जैसे बंकर्स बनाने की बात हो उसमें भी जो है वो इस बजट में रखा गया। कुल मिला के मैं इस बजट में ये देखता हूँ कि ये नए जम्मू कश्मीर के विकास में बहुत मदद करेगा। आने वाले वक्त में इस बजट से जो खाका बनाया गया, जो सोच रखी गई, उस सोच को हम स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं कि अच्छी सोच के साथ ये बजट आया। और ब्यूरोक्रेसी से हम ये ज़रूर तवक्को करते हैं कि जिस सोच के साथ ये बजट बन के आया है और जितना पैसा आप लोगों को मिला है वो पैसा जो है वो ज़मीन पे खर्च होना चाहिए और उन लोगों के लिए खर्च होना चाहिए जिन लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा है। LG एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना बजट आया है ये सारे का सारा बजट जो है साल में ख़त्म होना चाहिए,
देखिए बजट आता है और वो बजट का पैसा वापस चला जाए बगैर खर्च किए हुए, वो गलत बात होती है। हम ये उम्मीद ज़रूर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो सारे का सारा पैसा जो है वो इसमें खर्च करेंगे। आने वाला साल जो है वो सभी के लिए पीस लेके आए और डेवलपमेंट लेके आए, ऐसे ही जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी जो है तो